नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दंगल का। भारत में कोरोना के मामले बढ़े हैं तो आज दंगल में हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा सोशल मीडिया पर फैलाए गए उन भड़काऊ वीडियोस को लेकर है जिसके बाद अफवाहें खूब तेज हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई एक रिपोर्ट में पता चला है कि सैकड़ों ऐसे वीडियोस बनाए गए जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग को नाकाम करने के लिए लोगों को बहकाया गया। आज तक को पता चला है कि इन वीडियोस में कुछ ऐसे भी हैं जो विदेशी जमीन पर बनाए गए। हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएं, उसके पहले आपको बता दें कि आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हमारे साथ लाइव होंगे, जो इन अफवाहों से उठने वाले सवालों का जवाब देंगे और भ्रम को दूर करेंगे। हमारे साथ और मेहमान भी होंगे, उनसे भी इन अफवाहों पर और साजिश के बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत दंगल की आज कर रहे हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ, जिसे आपको आज जरूर देखना चाहिए। कोरोना संदिग्ध की जांच के लिए इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके में गई डॉक्टरों की टीम पर यह हमला पूरे देश को हिला चुका है। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम और साथ साथ पुलिस पर ऐसे हमले देश के अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में भी हुए। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कोरोना महामारी के इस संकट काल में हो रहे इन हमलों की पड़ताल की। अफवाहों और बहकावे के कई सबूत आज तक को हाथ लगे हैं। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई नमाज जा रहा हूँ। भाई कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये मास्क लगा लो। ओ अल्लाह दी ओमाची ये टिकटॉक वीडियो उन सैकड़ों वीडियोस में से एक है जो मुस्लिम समुदाय में कोरोना वायरस पर अफवाह फैला रहा है। ऐसा ही एक और वीडियो आप देखिए। वेलकम टू इंडिया कोरोना वायरस। हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की एनआरसी लागू हो गई है। अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा। दिल्ली के साइबर इंटेलिजेंस फर्म वोयाजर इंफोसिस ने 30,000 से अधिक वीडियोस की डिटेल्ड पड़ताल की है। इससे पता चला है कि इन वीडियोस में मुस्लिमों में स्वास्थ्य हिदायतों को न मानने को लेकर एक सोचा समझा पैटर्न उजागर हो रहा है। ये रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। इसमें चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बताया गया है। And we found a very interesting pattern that TikTok is being used as a primary medium of disinformation campaigns, specifically targeting Muslim communities in India. We have seen hundreds of videos where professionally made videos, especially on TikTok and other channels posted on YouTube, which suggests that रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे सैकड़ों वीडियोस अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से ज्यादा बार देखे गए और शेयर किए गए हैं। ये वीडियोस जैसे ही वायरल हो जाते हैं, इन्हें शेयर करने वाला पहला अकाउंट हटा दिया जाता है। We found they have already been viewed by more than 12 million people, which is alarming, and they are going viral. So, one of the purpose in this report is that we have identified certain handles, certain patterns that, how these videos are posted when they go viral. The original handler deletes the original post so that it is very difficult to trace the origins. So, we have submitted this report and to the law enforcement agencies, and I'm sure, necessary action will be taken. वीडियोस की जांच में ये भी पता चला है कि इन्हें पेशेवर तरीके से एडिट किया गया है और इनमें से कुछ पाकिस्तान समेत अन्य देशों में बनाए गए हैं। इसलिए इन वीडियोस के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने की जांच की जरूरत बताई जाने लगी है। अंकित कुमार, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि हमारे साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान होंगे, अब से कुछ सेकंड के बाद लाइव मौजूद होंगे बात करने के लिए। उसके पहले हमारे सहयोगी अंकित कुमार इस समय हमारे साथ और जानकारी के लिए मौजूद हैं इसी बारे में, जो
रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है और जो ये इशारा करती है कि जानबूझकर एक साजिश के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को फेल करने के लिए कुछ वीडियोस फैलाए गए अफवाह के तौर पर। अंकित, जरा विस्तार से बताइए इस जांच के बारे में, इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। जी रोहित, पिछले एक हफ्ते में करीब 30,000 वीडियो जो सोशल मीडिया पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनकी जांच की गई है। आज तक ने उस पूरी डोजियर को देखा है, परखा है, खुद वेरीफाई भी किया है। ये डोजियर फिलहाल गृह मंत्रालय को दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसे आईबी को पास किया है और लोकल पुलिस को कहा है कि इसके अंदर देखें। तीन बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात ये कि जो 30,000 वीडियोज हैं उसमें से करीब आधे ऐसे हैं जो कोरोना वायरस को लेकर के धर्म से जोड़ते हुए मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत जानकारी फैलाते हैं। एक पैटर्न जो सामने आया है वो ये कि कई ऐसे वीडियोज जो मिडिल ईस्ट में फिल्माए गए हैं, पाकिस्तान में फिल्माए गए हैं, उसमें पाकिस्तान के धर्मगुरु दिख रहे हैं, उनके वीडियोज को एडिट करके, प्रोफेशनल अंदाज से एडिट करके भारत के कॉन्टेक्स्ट में फैलाया गया है। और इन वीडियोज की अगर आप रीच की बात करें तो करीब करीब 1 करोड़ लोग इन वीडियोज को देख चुके हैं सिर्फ टिकटॉक पर। अभी हम फेसबुक या व्हाट्सएप की जांच नहीं कर रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा सरकार के पास या किसी एजेंसी के पास नहीं होता है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर 1 करोड़ लोग इस तरह के वीडियोस को देख लेते हैं जिसमें ये समझाया जाता है कि कोरोना वायरस की जांच कराना किसी धर्म के खिलाफ है और कोई बड़ा धर्मगुरु इस तरह की बातें कर रहा है, तो आप सोचिए कि इसका समाज के तबके पर क्या असर पड़ेगा। तो सरकार ने फिलहाल आईबी को इस बात की जांच करने के आदेश दिए गए हैं, इस तरह के वीडियोस को हटाया जाए। टिकटॉक, एक बात इसमें जो खास बात वो है कि टिकटॉक एक चाइनीज ओरिजिन की कंपनी है। टिकटॉक के सर्वर्स भी भारत में नहीं है, इसके सर्वर्स भी चाइना में होते हैं। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जब हम बात करते हैं उसका स्कोप टिकटॉक के मामले में कम हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियां भी अभी तक ट्विटर या फेसबुक पे आने वाले कॉन्टेंट को ज्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन खास पैटर्न आया है इस बार कि टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए खासतौर पर जो युवा वर्ग है एक समुदाय का, उसको भड़काने के लिए इस तरह के वीडियो जिसमें ये कहा गया है कि मास्क लगाना इस्लाम के खिलाफ है। एक और गलत जो जानकारी फैलाई जा रही है वो ये कि दुनिया में कुछ इस तरह के रिसर्च आए हैं कि इटली में, चाइना में कोई मुस्लिम अभी तक कोरोना का शिकार नहीं हुआ है। तो इस तरह की जानकारियां टिकटॉक के माध्यम से फैलाई जा रही है और सरकार इस बात की जाँच कर रही है कि क्या इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की वजह से अंदरूनी जो हमारे रूरल एरियाज है भारत में, वहाँ स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। एक बड़ी चीज ये है कि अभी टिकटॉक की तरफ से एक बड़ा ऐलान हुआ कि वो कोरोना से लड़ने के लिए इतनी इतनी मदद कर रहे हैं। अब क्या सरकार भारत की तरफ से ऑफिशियली टिकटॉक को कम से कम ये कह सकती है कि आप ये सारे वीडियो हटा दीजिए, क्योंकि ये अफवाह का बड़ा जरिया बन रहे हैं? जहां तक हमारी जानकारी है रोहित, भारत सरकार ने पीआईबी के माध्यम से अभी कहा है कि इन वीडियोस की अपने लेवल पे जांच की जाए। ये रिपोर्ट अभी एक प्राइवेट एजेंसी ने अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार करके गृह मंत्रालय को दी है। गृह मंत्रालय ने इसको पीआईबी ने अभी एक नया फैक्ट चेक ब्यूरो भी बनाया है। तो गृह मंत्रालय ने पीआईबी के फैक्ट चेक ब्यूरो को भी ये रिपोर्ट फॉरवर्ड की है जिससे इस बात की जाँच की जा सके कि इन वीडियोज का ओरिजिनल क्या है। एक और जो खास पैटर्न है इसमें कि ज्यादातर जो वीडियोज, जो भ्रामक वीडियोज बनाए गए हैं रोहित, वो बनाने वाले ओरिजिनल अकाउंट डिलीट हो चुके हैं। तो आप कभी भी ये पता नहीं कर पाएंगे कि वो वीडियोस आए कहाँ से हैं। आपको सिर्फ फॉरवर्ड करने वाले की जानकारी है, उसने शेयर कर दिया, लेकिन 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले वो वीडियोस बनाए किसने, वो कहाँ से आए। और इसमें कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो देख के लगते हैं कि वो मिडिल ईस्ट में अरब में शूट हुए हैं, लेकिन उस पर वॉइस ओवर जो हम कहते हैं टीवी की भाषा में, और उस पर जो टेक्स्ट का जो लेयर होता है, शब्द है, वो हिंदी के लिखे गए हैं, वॉइस ओवर हिंदी का कर दिया गया है, हल्की उर्दू है। तो ऐसा लगता है कि शूटिंग बाहर हुई है, उसको एडिट भारत के हिसाब से कर दिया गया है और भारत के गांव-गांव तक पहुंचे ये मिस इन्फॉर्मेशन। इस बात को इंश्योर करने के लिए टिकटॉक जैसे साधन जो कि बहुत ही पॉपुलर है भारत में आज के डेट में, बहुत ही लोकप्रिय है आज के समय में, उसका इस्तेमाल किया गया है। इस सारी परिस्थिति में कोई केस दर्ज हो रहा है या अभी पहले सरकार इस रिपोर्ट को वेरीफाई कर रही है अपने स्तर पर, उसके तथ्यों को जांच रही है? सरकार अभी इसको, गृह मंत्रालय ने आईडी को कहा है इसको जांच करने के लिए। एक बार जब वो जांच पूरी हो जाएगी तभी कोई मामला इस तरह के केसेस में दर्ज करने की प्रक्रिया होती है। फिलहाल अभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इसको आधिकारिक तौर पर सरकार ने अपनी जांच एजेंसियों को बढ़ा दिया है जिससे कि इस पर कार्रवाई की जा सके।
अंकित फिलहाल जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अंकित कुमार जानकारी दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट बाकायदे गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है, जो ये इशारा करती है कि जानबूझकर ऐसे कुछ वीडियोस बनाए गए जिनको प्रोपोगेट किया गया यानी कि फैलाया गया और उसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग फ्लॉप हो, इसके पीछे एक साजिश बाकायदे रची गई। हमारे साथ तारिक फतेह आ गए हैं, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं और कॉलमिस्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कनाडा में रहते हैं, टोरंटो में। स्वागत है तारिक फतेह आपका आज तक पर। हम कुछ वीडियोज दिखा रहे हैं और मुझे यकीन है वो वीडियोज आपने भी अब तक जरूर देखे होंगे, वो सोशल मीडिया पर वायरल है, व्हाट्सएप पर वायरल है। अब एक एजेंसी ने जांच रिपोर्ट दी है गृह मंत्रालय को, भारत की सरकार के, ये बताया है कि इन वीडियोस के पीछे साजिशन प्लानिंग करके काम किया गया है और कुछ वीडियोस विदेशों में बने हैं जिनको जानबूझ के भारत में फैलाया गया है। क्या आपको लगता है कि कोरोना के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग या उस फाइट को कमजोर करने के लिए ऐसी साजिश भी कर सकता है कोई? मुझे हर एक से ऐसे ग्रुप से हर चीज की तवक्को है। देखिए ये बात बड़ी क्लियरली आइडेंटिफाई हुई है कि कोई 2000 लोग जो वहाँ से निकले वो उस वक्त ट्रैक हुए जब तेलंगाना के अंदर लोग पकड़े गए, इंडोनेशिया के अंदर गए। ये तमाम लोग, इनका एटीट्यूड ये है कि हमको कुछ नहीं हो सकता, चाहे वीडियो कुछ भी हो, वो तो हिंदुस्तान के कितने मौलानाओं ने YouTube पे वीडियो डाला है जिनमें उन्होंने कहा कि ये तो कुफर के को सजा मिल रही, चीन को मिल रही है, हिंदुओं को मिल रही है, अमेरिका को मिल रही, यहूदियों को मिल रही है, और हम मुसलमान जो हैं वो हम प्रोटेक्टेड हैं। सारा मसला ये है कि लीडरशिप जो है खासतौर पे तबलीगी जमात की, अगर आप इस वक्त एक कड़ी नज़र से इसको टैकल नहीं करेंगे तो ये इससे भी ज्यादा मजबूती से बाद में आएंगे। देखें ये स्टडी नहीं कोई कर रहा कि तबलीगी जमात का मंसूबा क्या है। उन मेरे फैमिली मेंबर्स हैं तबलीगी जमात में, इसलिए मुझे करीबी से पता है कि ये बिल्कुल जिसे उर्दू में कहते हैं दकियानूसी, यानी वो 7वीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं और वो हर प्रोग्रेस जो दुनिया में हुई है उसको कुफर से एसोसिएट करते हैं, यानी टूथब्रश भी नहीं करते ये लोग, ये सोटी लेके लकड़ी का पीस लेके अपना दांत साफ करते हैं कि 7वीं सदी के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद इस तरह दांत साफ करते थे, इसीलिए टूथब्रश करना भी एक हराम चीज़ है। इनका लिबास आप देखिए, इनके टखने से ऊपर पजामे होते हैं, इनकी मूछें नहीं होती, इनकी सिर्फ दाढ़ियाँ होती हैं। ये इतना ऑर्गेनाइज ग्रुप है, आपको अंदाजा नहीं कि बांग्लादेश के अंदर क्या इन्होंने हशर किया है वहाँ की गवर्नमेंट का। पाकिस्तान में जनरल बाजवा के इनसे लिंक्स हैं, इमरान खान के इनसे लिंक्स हैं, ये नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ, हमारे टोरंटो में है तबलीगी जमात जी, हर जगह। इनका एक ही काम है वो ये कि किसी सूरत जो पिछले 200 साल 300 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो भी तरक्की हुई है उसको खत्म करके हम वापस जाएं, फिर ऊंट के ऊपर चल के आए, फिर कोई गधे के ऊपर सवारी करें, गाड़ी में ना बैठें, लेकिन जब जहाज काम आता है फिर बैठ जाते हैं। तारिक साहब, आपको आज बुलाने का मकसद यह है कि इसको लेके बहुत सारी जो अफवाहें फैल रही हैं आपके जरिए, कम से कम जो लोग इस्लाम के नाम पर कम से कम अफवाहें फैला रहे हैं उनको आपके जरिए, उन मिथ्स को धराशायी किया जा सके, आप उनकी हकीकत देश के लोगों के सामने रखें ताकि वो अफवाहों का असर कम हो सके। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार साहब भी आ गए हैं। नीरज जी, आपका भी स्वागत है। जो सवाल मैंने पहला तारिक साहब से पूछा था, आपसे भी वही पूछ रहा हूं। एक रिपोर्ट ये कह रही है कि जानबूझकर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस फैलाए गए हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना के टाइम में कमजोर करें, क्या आपको लगता है कि यह साजिशन हो सकता है, जानबूझ के किया गया हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी ने जानबूझकर एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया है। लेकिन जिसने भी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ और मैं ये नहीं मानूंगा कि ये एक साजिश का हिस्सा है। लेकिन नीरज साहब, वो रिपोर्ट ये कहती है कि एक वीडियो बनाया जाता है, वो वीडियो जब शेयर हो जाता है पर्याप्त संख्या में, वायरल हो जाता है, तो उसका मूल सोर्स उसको डिलीट कर दिया जाता है जानबूझकर।
ताकि उसके मूल सोर्स तक पहुंचा ना जा सके। ये तो इशारा करता है कि जानबूझ के कुछ खेल करने के लिए किया गया होगा। नहीं, आप किन वीडियो का जिक्र कर रहे हैं? वो जो तबलीगी जमात के सिलसिले में है या वो जो तबलीगी जमात को डिफेम करने के लिए उनके खिलाफ वीडियो बनाया जा रहा है और एक कम्युनल डिसहार्मनी का माहौल बनाया जा रहा है, आप किस वीडियो की तरफ इंगित कर रहे हैं? दो अलग अलग चीजें हैं। तबलीगी जमात का मामला बिल्कुल अलग है और टिकटॉक पर जो वीडियोस अपलोड किए गए हैं, जो अब व्हाट्सएप के जरिए, टिकटॉक के जरिए देश दुनिया में फैल रहे हैं, उन वीडियोस को लेकर यह रिपोर्ट है। हम आपके जरिए से और तारिक फतेह के जरिए से कुछ कानूनी और कुछ धार्मिक जो अफवाहें फैली हैं उनको आज दूर करना चाहते हैं। तो पहला सवाल नीरज जी, उस सिलसिले में मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, बहुत लोगों को यह कहा जा रहा है, इंदौर में भी जो घटना हुई वो इसलिए हुई कि व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाई गई, कोरोना के नाम पर पुलिस मुस्लिमों को तंग कर रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं फिर क्लैरिफाई करना चाहूंगा। मेरा पहला जो जवाब था वो था, जो जमात इकट्ठी हुई थी निजामुद्दीन में उसके बारे में था। मैं ये मानता हूँ कि वो जो लोग एकत्रित हुए थे वो किसी साजिश के तहत एकत्रित नहीं हुए थे। लेकिन जहां तक टिकटॉक वीडियो का सवाल है, वो निश्चित रूप से एक साजिश है जिससे कि समाज में कम्युनल डिसहार्मनी फैल सके और किसी एक कौम के लोगों को दूसरे कौम के लोगों के विरुद्ध किया जा सके, ये निश्चित तौर पर एक साजिश है। एक अफवाह ये फैलाई जा रही है कि कोरोना के इलाज में जो जानकारी ली जा रही है वो एनआरसी में इस्तेमाल कर ली जाएगी, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल गलत है और उसका खंडन होना चाहिए और ऐसे वीडियो फैलाने वालों को लोकेट करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन तारिक फतेह, अब लोगों को कैसे समझाएं जो पहले ही एनआरसी और सीएए की वजह से सड़कों पर उतरे रहे, दिल्ली में हिंसा तक हो गई, अब उनको अगर ये भड़काया गया कि कोरोना के इलाज में जो आपसे जानकारी लिखाई जाएगी वो एनआरसी में इस्तेमाल हो जाएगी। देखिए, मैं एक बात और करूं जो बड़े अफसोस की मुझे बात सुनने में आती, कि जिना साहब की दो कौमी नजरिया बैठ गया अब हिंदुस्तान में। अब बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बात करते हैं कि उनकी कौम और हमारी कौम, ये इतनी बड़ी साजिश है जिसका पिछले 70 साल से कोई नोटिस नहीं ले रहा, इसी डर में कि कहीं डिसहार्मनी, कम्युनल डिसहार्मनी ना हो। जब हर जुम्मे को वहीं मरकज के अंदर ये दुआ मांगी जाए कि या अल्लाह कौम काफरीन पे मुसलमानों को फतह हो, ये कोई डिनाई कर रहा है? ये तो कोरोना वायरस तो अब आया है, ये दुआएं जो हैं, ये जो वीडियो हैं, ये तो मौलाना जो हैं उनके अपनी जबान के हैं कि कोरोना वायरस काफिरों के लिए आया है। हमको जो मस्जिद मरना भी है तो मस्जिद में मरना सबसे ज्यादा बेहतर जगह है, ये किसी दूसरे ने नहीं फैलाया, ये तो जिस ब्रांच से भी हो, जमात इस्लामी से हो, ये तबलीगी जमात से हो, जमीयत उलमा हिंद से हो, दियोबंद से हो, बरेली से हो, कहीं से भी हो, ये जो रिलीजियस कैडर तय हो गया कि मुसलमान की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक मौलवी कर सकता है, इसमें आप लोग के मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है कि किसी को एक्सेप्ट नहीं करते आप मुसलमान जब तक के उसकी मूछ ना हो, लंबी दाढ़ी हो और वो एक अजीब आर्केक किस्म की जबान बोले। इस वक्त तो ये चाहिए कि कम से कम वो जो मरकज है उसको सीज तो कर लिया जाए, किसी को तो सजा मिले कि आप गवर्नमेंट को झूठ बोल के आए कि आप टूरिस्ट हैं, आप टूरिस्ट नहीं थे। जो 2-3 हजार लोग आए दुनिया भर से वो कहां के टूरिस्ट थे? वो तो मिशनरीज थे, फिर उनको वहां से निकाला गया, 2-3 हजार फैल गए पूरे हर जगह। आज आप देखिए डिटेल रिपोर्ट्स हैं कि ये ट्रैक हुआ है तेलंगाना में, लोगों को जो पहले केसेस आए उससे पता चला कि अरे भाई ये बैक ट्रैक करें तो ये तो निजामुद्दीन में जाके खत्म हो रही है बात। निजामुद्दीन के मौलवियों से आप पूछें तो बोले को यहाँ तो 1,000 आदमी बैठा हुआ है, अंदर देखा 3,500 लोग हैं। यानी ये मजहब के नाम पे झूठ बोला जा रहा है, दूसरों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जहां आप कुछ कदम उठाते हैं किसी को रोकने के लिए तो बोलते हैं ये इस्लामोफोबिक है। हम भी मुसलमान हैं, हमें पता है कि हमारे साथ इन जमातों ने क्या हशर किया, दुनिया की सबसे बैकवर्ड
लोग हो गए हम, मेवट जहां से जमात निकली थी आज इंडिया का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है विद लोएस्ट लेवल ऑफ फीमेल लिटरेसी। ये तो बर्थ प्लेस है ना जमात की। लेकिन तारिक फतेह जी, टीएमसी के एक पार्षद ने कहा अगर मोदी साहब ताली से कोरोना रोक सकते हैं तो हम अजान से क्यों नहीं रोक सकते। अब ये तो कम से कम लोगों को आप ही समझाएंगे ना कि ताली कोरोना रोकने के लिए नहीं बजाई गई थी, इसलिए अजान भी कोरोना रोकने के लिए नहीं देनी है। देखिए मैं एक बात बताऊं, प्रॉफिट मोहम्मद ने हम ही मुसलमानों से कहा कि जब वबा फैलती है तो जहां हो वहीं रुक जाओ, बाहर ना निकलो, किसी से मिलो नहीं। ये आज से 1400 साल पहले हिदायत दे दी गई हमें। जो बबोनिक प्लेग फैला था यूरोप में मिडिल एजेस में, आप देखिए कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी शहर थे वहां सबसे कम कैजुअल्टीज हुई, कि जहां बाकी लोग डर के भाग रहे थे कि वबा आ गई, हमें इंस्ट्रक्शन था कि जहां वबा आई आप रुक जाएं, फैलाएं नहीं। अब हमारे फॉलोअर, ये हमारी दीन के मानने वाले लोग दुनिया भर में फैल रहे कि जरासीम लिया और फ्लाइट लेके उड़ गए, कोई इंडोनेशिया जा रहा है, कोई बैठा, 4000 लोग जरासीम लेके बैठ गए। इट इज क्रिमिनल एक्ट। ये जब तक नहीं होगा, जब तक कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए कि मरकज हैज बीन टेकन ओवर, सीज, बिकॉज इट वाज द सोर्स ऑफ डिजीज एंड मिस इंफॉर्मेशन, झूठ बोला गया हुकूमत को। ये टूरिस्ट नहीं थे, ये प्रीचर्स थे, इनको प्रीचर्स का वीजा लेना चाहिए था जो अलग होता। ठीक नीरज जी, बन के आए नीरज जी, दुख किस बात जी। नीरज जी इसका कानूनी पहलू क्या है? एपिडेमिक एक्ट के तहत जब लॉकडाउन है उसके बावजूद अगर लोग निकलते हैं बाहर और ये कहते हैं कि नहीं साहब हम तो घर पर नहीं, हम तो बाहर ही जाएंगे, हम तो इकट्ठे भी होंगे और हम धार्मिक जो हमारा वीकली कार्यक्रम है वो भी करेंगे, तो उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? उन पर बहुत सारी कार्रवाइयों की गुंजाइश है। आपने एपिडेमिक एक्ट का जिक्र किया, आपने इंडियन पीनल कोड के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, और मैं तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी इन्वोक करने के लिए सुझाव दूंगा, क्योंकि अगर किसी को किसी आम आवाम के सेहत के बारे में, उनकी खुशहाली के बारे में चिंता नहीं है और वो ओपनली रूल्स को फ्लाउट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और हमें उनका उदाहरण बनाना चाहिए कि कार्रवाई की जाए तो वो लाजिम है, वो जायज है। तारिक फतेह, एक अफवाह ये फैलाई गई है या ये मान्यता मान ली गई है कि मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी तो दुआ कबूल नहीं होगी, अब उन लोगों को कैसे समझाएं कि लॉकडाउन में घर से भी दुआ कबूल हो सकती है? सर लॉकडाउन में नहीं, आप जहां बैठे हैं वहां नमाज पढ़ सकते हैं आप। ये किसने कहा? हम हवाई जहाज के अंदर सीट पे बैठे हैं, हमें इजाजत है कि वहीं अपनी सीट पे बैठ के नमाज पढ़ लें, लेकिन दादागिरी ये होती है कि जहाजों के अंदर अब जानमाज बिछा के लोगों को डिस्टर्ब करके हज की फ्लाइटों पे आप देखिए क्या हशर करते हैं। क्यों? बाकी सब लोग डर गए, कह रहे भाई मुसलमान है ये, पता नहीं बलवा हो जाएगा, चुप करके बैठे रहो। हमें एज मुस्लिम कोई कंपल्सरी नहीं है कि हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। आधी दुनिया तो वैसे ही नहीं, मुसलमानों की औरतों को तो इजाजत खुद मौलवी नहीं देते, दुनिया भर में औरतें मस्जिद में जाती, हिंदुस्तान के अंदर औरतें नहीं जा सकती मस्जिद में। ये कहां का कानून है कि मक्का में जा सकती हैं, काबा में जा सकती हैं, मदीना में जा सकती हैं, ना हिंदुस्तान के मस्जिद में नहीं घुस सकती एक औरत? क्या इस वक्त आप औरतें मुसलमान नहीं है क्या? सिर्फ मर्द ही मुसलमान है? औरतों को बुरके में बंद करके रखा हुआ कहां दुनिया? आप टर्की को देखिए, इंडोनेशिया को देखिए, कहां कहां लोग आगे बढ़ गए। हिंदुस्तान जहां मुसलमानों को या पनाह मिली जो भाग रहे थे उमय्यदों से, या वो लोग जिन्होंने हम पे आके कब्जा किया, जैसे भी आप देखें, हम तो माइनॉरिटी हैं, हमें तो यहां खुली रहने की कुछ 1000 साल से इजाजत है, बल्कि हुकूमत कर रहे थे सब पे। तो हम अब उठ के ये बोलें कि हम नमाज सिर्फ मस्जिद में पढ़ेंगे, क्यों झूठ बोलते हैं?
ये दादागिरी है, ये सड़क बंद कर देना दिल्ली के अंदर मैंने खुद देखा, कहीं नहीं देखा, पेरिस में देखा, ये दिल्ली में देखा, सड़क बंद कर दी, अरे मुसलमान नमाज पढ़ने, अरे किसकी इजाजत से आपने सड़क बंद कर दी? आप कराची में बंद करके देखिए, ढाका में बंद करिए, कैसे धुनाई होती है पुलिस से, यहां पुलिस डर जाती है, कह रहे भाई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है इसको हाथ मत लगाओ, फिर कहते हैं इस्लामोफोबिया। जब आप दूसरों को दुख देंगे, आम जो इंडिया का सिटीजन है, जो गैर सियासी है, हमारी नानी दादी इस टाइप के लोग हैं, वो कहते अरे कमबख्त क्या हो गया इन लोगों को, ये क्या कर रहे हैं, सड़कें बंद की हुई है। मुझे आप बताइए इसकी क्या लॉजिक है कि ये बाकी चीजें तो छोड़ दें, आप पॉलीगमी को आज तक बैठाया हुआ है, बुरका बंद किया हुआ है, और पूरी आधी 50% मुस्लिम पॉपुलेशन को इरेज कर दिया कि आप लोग हैं ही नहीं, इंसान ही नहीं है, आप औरतें हैं, खत्म। कैसे एक्सेप्ट हो सकता है ये इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री जहां से आइडियाज 10,000 साल से निकल रहे हैं, वहां बैठे बुर्का टॉलरेट कर रहे हैं, और नर्सों को मार रही औरतें बुर्का वाली, डॉक्टर की पिटाई कर दी, और कोई अभी तक पकड़ा नहीं गया है, ये कैसे हो सकता है? एक सवाल मेरा ये है जी, क्या क्वारंटीन में नमाज पढ़ना जरूरी है? अगर किसी को क्वारंटीन रखा गया है बीमारी की वजह से या बीमारी के लक्षणों की वजह से, हमने देखा हाँ। है कल तस्वीरें आई हैं, वहां लोग ग्रुप में नमाज पढ़ने लगे ना, आप बिस्तर में लेट के नमाज पढ़ सकते हैं, आइए किसी मौलवी को बुलाइए, यहां क्या गलत बातें कर रहे हैं, इस्लाम को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं हिंदुस्तान में, क्वारंटाइन में नमाज पढ़ना, अरे आपको इतना शौक है नमाज का, बिस्तर में लेटे हुए पढ़ लें नमाज। ये जो कंसेप्ट है कि जमात में बैठ के पढ़ेंगे ताकि दूसरे लोगों को खौफ आ जाए, अरे भाई देखो मुसलमान आ गए, अब दंगा होगा, ये होगा फला, अरे क्यों भाई, अपनी इंटेलेक्ट को सामने लेके आओ। कुत्तो निजामुद्दीन साहब का उनको उनकी बातें फॉलो कर लो, बजाय इसके कि यू आर ट्रीटिंग दैट एरिया एज अ वॉर पाथ। हम गुंडे हैं क्या, क्या हमसे हम हर कोई डरे? ज्यादती की इंतहा हो गई है, यानी ईरान में नहीं देख रहे हैं कि हजारों आदमी मर गए, वहां मौलवी कह रहे हैं कि चाटो वो जो है मजार उनके दीवारों का, आपने देखा होगा, और बेचारे लोग मौलवियों की बात सुन के, आयतुल्ला की बात सुन के जबान चाटे, हजारों मर गए। कोई अकल नहीं है हम में, किसी साइंटिस्ट हमारे यहां नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जिसकी बात हम सुने, हमें मौलवियों की क्या जरूरत है कोरोना वायरस के जमाने में, हमें तो डॉक्टर की बात सुननी है, साइंटिस्ट की सुननी है, जो पुलिस ऑफिसर है उसकी बात सुननी है, जो भी इलेक्टेड है गवर्नमेंट उसकी सुननी है, बजाय इसके कि एक आदमी अपने ही वीडियो में कह रहा है अरे भाई ये तो अल्लाह अजाब ला रहा है चीन पे और हिंदुस्तान के जो वो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते उन पे अजाब है, ये अजाब जैसे अनबिलीवेबल है साहब, कैंसर का इलाज और ये कोविड 19 का इलाज डॉक्टर करेंगे, ऊपर से कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए। एक सवाल और है ऐसा ही, जो अफवाह फैली है वो सवाल ये है कि नमाज क्या सिर्फ सार्वजनिक हो सकती है, अकेले नहीं? आप इसका जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल मैं नीरज जी से पूछने वाला हूं। बोलिए। बिल्कुल अकेले में, बिल्कुल, मैं तो जमात में अब जाता ही नहीं हूं क्योंकि वहां सियासत होती है, कैसे मैं जाऊंगा उस मस्जिद में जहां मौलवी दुआ मांग रहा होगा कि या अल्लाह काफिरों को मुसलमानों को फतह नसीब करे, काफिरों में टैक्स पेइंग गवर्नमेंट से पैसा लेके जिस मुल्क में कनाडा में हम रह रहे हैं उनको गालियां दे रहे हैं कि वो काफिर हैं। ये मैंने हिंदुस्तान में भी देखा मस्जिदों में, मैं तो गया हूं, हॉरर के अंदर आते और इतनी मासूमियत से लोग निकल जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। बाकी पॉपुलेशन को नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि उनको बेवकूफ हमेशा बनाए रखेंगे, एक वक्त आएगा जब ये बबल बस्ट कर जाएगा, फिर किससे आप पूछते रहेंगे कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई। एक पाकिस्तान बना के 10 लाख आदमी को मार के, बांग्लादेश बना के 20-30 लाख आदमी वहां मार के, अभी तक क्या चैन नहीं आया लोगों को, और कितने बनाएंगे पाकिस्तान?
नीरज कुमार साहब, एक मिथ यह भी है कि क्वारंटीन का मतलब है जेल भेज दे रहे। अब लोगों को कैसे समझाएं, क्वारंटीन का मतलब एकांतवास है, जहां आपको अकेले रहना है वो जेल नहीं है। नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है आप जी? नीरज जी, आ रही है। एक मिथ ये फैला दिया गया कि क्वारंटीन का मतलब है जेल भेज देना आपको। अब लोगों को कैसे समझाएं कि एकांतवास अलग चीज है और जेल अलग चीज होती है। अब देखिए, ये अफवाहों का और इस किस्म के विचारों को फैलाने का तो कोई अंत नहीं है। आप कुछ भी कह दें और हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं कि उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। तो ये वक्त है अफवाहों से जूझने का, ये वक्त है समाज के जो शिक्षित वर्ग हैं वो जाकर लोगों को समझाएं कि इस किस्म की गलत बात को ना फॉलो करें। और मैं तारिक फतेह अली साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अगर प्रार्थना करनी है या नमाज पढ़ना है तो वो आदमी जहां है वहीं कर सकता है, और जरूरी नहीं है कि एक भीड़ जमा करके, एक मजमा जमा करके वहां पर ही प्रार्थना हो सकती है या वहां पर ही नमाज हो सकती है। तो ये तो बात समझाने की है, लोगों को बताने की है, लेकिन ये अवश्य है कि हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन लोगों ने कई वर्षों से, कई सदियों से एक अंधविश्वास का माहौल पैदा कर रखा है। और मैं बिना किसी एक धर्म का नाम लिए हुए ये कहूँगा कि ऐसे ऑब्स्कुरेंटिस्ट लीडर्स को चाहिए कि वो ऐसा ना करें, और ख़ासकर ऐसे मौके पर जबकि पूरे समाज पर एक इतना बड़ा संकट आया हुआ है। सामने कोई चीज हो नीरज जी जिसका पता हो कि ये दुश्मन है तो उससे लड़ा जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अफवाह के मामले में कैसे लड़ेंगे? नहीं, ये तो अफवाह के साथ कई दफा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जब युद्ध हुआ है तब भी लड़ी है और समय समय पर हम लोग लड़ते रहते हैं। तो वही हमारे सामने तरीके हैं, वही मास मीडिया का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, टेलीविजन का इस्तेमाल, और अगर एक कोई पर्टिकुलर अफवाह है तो उस अफवाह के विरुद्ध बोलना और या संदेश पहुंचाना, ये हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए। और ये कहना कि हमारे पास कोई ये एक अनसीन एनिमी है, हम उसके साथ नहीं लड़ सकते, मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं तारिक फतेह आपसे, वो ये है कि एक परिवार में किसी एक को कोरोना हो जाता है तो सबकी जांच करनी जरूरी है, पर लोगों को इस बात के लिए समझाया कैसे जाए, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि एक के अंदर लक्षण है, आप सबको गिरफ्तार करके ले जाना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं खुद पिछले 3 हफ्तों से अपने घर में बंद हूं। मेरी एक बेटी है, बीवी है, हम वी आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट। ये मैं टोरंटो की बात कर रहा हूं। यहां पे हमने इसको मान लिया कि अब हम कहें कि हमारे साथ ज्यादती हो रही, ये नहीं है, हमें कुछ ट्रस्ट करना पड़ेगा। इसमें धर्म की आइडेंटिटी या रंग और नस्ल की आइडेंटिटी मुझे समझ नहीं आता है कि कोई ईसाई है, मुसलमान है या गोरा है, काला है, इससे ये कहां से आ गया। मुझे कोई आके डॉक्टर ये कहे कि मिस्टर फतेह आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आपको कैंसर हो चुका है, आपको आपके वाइट सेल्स डाउन हैं, आप यू आर लकी कि आप इंडिया से वापस आ गए, ये मैं ब्लाइंडली एक्सेप्ट करूंगा। मुझे ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना चाहिए एक प्रोफेशनल को, एक पुलिस ऑफिसर को जो कहे कि ये सड़क पे प्लीज पार्क योर कार ऑन दिस साइड, आई शुड से यस। ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट के इसके पीछे कौन है? नहीं, पहली बात ये कि ट्रस्ट तो बिल्ड करें कुछ, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं तो ओपनली कहता हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो हम पे जिम्मेदारी है मुसलमानों पे कि जो हमारी कम्युनिटी के अंदर गलत बातें हों उसको हम चैलेंज करें। इस वक्त मीडिया पे मुसलमान
जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो लेखक हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, फिल्म एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, इंडिया में कमी नहीं है ऐसे मुसलमानों की, उनको आके स्ट्रेट बात करनी चाहिए जो गैर सियासी बात हो कि भाई ये मुल्क हमारा है, यहाँ से हमने कहीं नहीं जाना, और यहाँ पे जरासीम जो हैं, जो वायरस है वो नहीं चेक करता कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, वो अंधा है, वो आपको मार देगा अगर आपने एक दूसरे की बात कोऑपरेट नहीं किया और ट्रस्ट नहीं किया अथॉरिटी को। ये हम जहन में रखना कि अरबी लिबास पहने हुए, मैं तो हैरान हूं कि वो आपके निजामुद्दीन में सब अरबी लिबास पहने घूम रहे, वो लोगों का लिबास जो आप पे थूकते नहीं है, जो आपको हिंदी कह के घटिया बात करते उनको आप ऑनर कर रहे हैं। ये चैलेंज है मुस्लिम लीडरशिप का, चाहे जावेद अख्तर साहब हैं या आरिफ मोहम्मद खान हैं या हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, इन लोगों की पे ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि वो आके बात करें टेलीविजन पे कि भाई इसका धर्म मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कार का एक्सीडेंट जैसे होता है तो ये तो नहीं चेक करते कि अच्छा भाई अंदर मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, ज्ञाना राम जी हैं, अच्छा अच्छा ये मुसलमान है तो मैं मदद करूंगा वरना नहीं करूंगा। ये नौबत आ गई हिंदुस्तान की, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, अरे हमने तो चेस ईजाद किया सर, कुछ तो हमारी वैल्यू है दुनिया में। आप देख लीजिए दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर हर दूसरा आदमी जो टीवी पे अथॉरिटी है वो हिंदुस्तानी है। इस वक्त दुनिया का सबसे माना हुआ मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो संजय क्या नाम है, नाम भूल रहा हूँ, CNN पे जो आते हैं, आप प्रेसिडेंट के साथ जो दो तीन टॉप औरतें हैं दे आर इंडियन। तारिक साहब इसीलिए हमने आपको तो, आज बुलाया था कि आपके जरिए कम से कम ये जो अफवाहें फैली हैं समाज में, जो मिथ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा सके। नीरज कुमार जी, अब दूसरा पहलू ये है कि तबलीगी जमात के मामले के बाद कई जगह पुलिस तलाश करने के लिए गई तो उनके ऊपर पथराव हुआ, एक आध जगह फायरिंग भी हुई, और केवल तबलीगी जमात नहीं, यूपी में भी कल एक और वाकया हुआ जहां गांव में पुलिस कर्मचारी गए संदेह होने पर तो उनको घेर कर उनके साथ मारापीटी की गई, हिंसा हुई उनके साथ, इसको कैसे रोकेगा? देखिए ये दिखाता है कि हमारा समाज किस तरह से एंटी अथॉरिटी हो चुका है, किस तरह से कायदा कानून नहीं मानने के का आदि हो चुका है। अगर हम अपने समाज को और दूसरे मुल्कों के समाज से देखें जहां कायदे कानून को फॉलो करने में कितनी कोशिश होती है, और एक हमारा समाज है कि अथॉरिटीज कहीं भी किसी काम के लिए जाते हैं तो उन पर अटैक होता है, उनकी भर्त्सना होती है इत्यादि इत्यादि। तो ये एक वर्षों से हम लोगों ने एक माहौल बना रखा है कि जो भी अथॉरिटीज कहें उसका उल्लंघन करना है, उनको उनका विरोध करना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत अफिल टास्क है और इसमें जितनी सख्ती हो, और ये सख्ती करने का अभी मौका है क्योंकि सब लोग इसके समर्थन में होंगे कि अगर हम कोई सख्ती करेंगे, कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे तो लोगों का साथ होगा, चाहे वो किसी भी भाग से क्यों ना हो। तो ये वक्त आ गया है कि लोगों को जो कानून का उल्लंघन करते हैं या आवाज कट गई सर, आपकी संपर्क शायद कट गया है। नीरज कुमार दिल्ली के पूर्व कमिश्नर वो जानकारी दे रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं उन लोगों पर जो ऐसी परिस्थिति में भी पुलिस पर हमले कर रहे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ सवालों के जवाब हम तारिक फतेह के जरिए जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दिल्ली के ताजा आंकड़ों के बारे में अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी है, आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या बताया, उसके बाद वापस चलेंगे तारिक फतेह के पास। आज दिल्ली में अभी तक टोटल 384 कोरोना के पेशेंट्स हुए हैं,
384, कल तक ये 293 थे, तो पिछले 24 घंटे में 91 और पेशेंट्स कोरोना के बढ़ गए हैं। दिल्ली में अभी कोरोना की वजह से टोटल 5 डेथ हो चुकी हैं, कल तक 4 थी, पिछले 24 घंटे में 1 डेथ और हुई है, और वो भी जो मरकज़ से जिन मरीजों को निकाला गया था उन लोगों में से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। जानकारी दे रहे थे दिल्ली में जो पूरा घटनाक्रम हुआ तबलीगी जमात का, उससे जुड़े मामले और इसके अलावा कोरोना के सारे मामलों का अपडेट अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। तारिक फतेह हमारे साथ हैं, जिनसे हम आज लगातार बात करें। तारिक साहब, कुछ सवाल तो ऐसे जो हमने लगातार बैक टू बैक आपसे पूछ डाले, जो अफवाहें समाज में फैली हुई हैं, लेकिन जो लोग इस चीज को भी ये कह रहे हैं कि साहब राजनीतिक साजिश है, ये तो ये कह रहे हैं कि कोरोना से मरने वाला शहीद हो रहा है, उनको कैसे समझाएं? उनको ना समझाएं। आप एक बात करिए, निजामुद्दीन के जन मरकज है उसको सील कर दीजिए, खाली करवा दें, एंड इट विल नॉट बी रिटर्न टिल दे बिहेव देमसेल्व्स। ये वक्त है एक्शन का, फिर देखते हैं कहां जाते हैं ये मौलाना साद साहब और दुनिया भर के जो लोग हम पे ऊपर से बैठ गए हमारी रिप्रेजेंटेशन करने। यू नीड टू शो दैट द इंडियन स्टेट विल नॉट टॉलरेट दिस। अगर जरा भी सख्ती दिखानी है इस वक्त, तो आप निजामुद्दीन के अंदर वो जो मरकज है उसको सीज कर दीजिए। ना सिर्फ वो जगह वबा की पैदाइश है, बल्कि वहां से हिंदुस्तान के खिलाफ, यानी हिंदुस्तान की अथॉरिटी के खिलाफ, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट, हर एक के खिलाफ वहां झूठ और साजिश का गढ़ था वो। इट शुड बी शट डाउन। आइंदा कोई मौलवी नजर आए जिसने वीडियो बनाया हो, मैं आपको एक वीडियो, मेरे पास आया है जिस जो मुझे एड्रेस किया, उन्होंने कहा दो इंडियन बच्चे हैं, वो हंस हंस के कह रहे हैं वेलकम कोरोना वायरस, वेलकम, यानी ब्रेन वॉश कर दिया बच्चों को कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है और सिर्फ तुम हो और ऊपर अल्लाह है, खत्म। और हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपने आप को अल्लाह की सर्विस में फना कर दें, यानी जिंदगी शुरू ही मौत के बाद होती है। ये पढ़ा दिया बच्चों को कि जिंदगी शुरू होती मरने के बाद, तो वो तो मरने के लिए बैठा हुआ है ना। 70 साल से आप टॉलरेट कर रहे हैं ये नॉनसेंस वोट बैंक के चक्कर में, कि शाबानों को बताइए, याद करिए कैसे अबेंडन किया हमने, सिर्फ इस वजह से कह रहे वो को 20 मौलवी राजीव गांधी की इर्द गिर्द घूमते थे उस वक्त कांग्रेस में जी। वी सोल्ड आउट अ वुमन टू अपीज दीज मुल्लास। ये 70 साल की बीमारी है सर, ये कोरोना वायरस तो अब आया है, ये मुल्ला वायरस जो था इसको कौन रोकेगा जी। और मैं बार बार कहता हूँ, एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम है जी। इंडिया के अंदर अल्लाह का इस्लाम चलने कोई नहीं दे रहा। अक्सर अक्सर आप इस बात को कहते हैं, लेकिन इस समय मसला धर्म से इतर है। इस समय मसला यह है कि देश को एकजुट रहना है। ऐसे समय पर जब देश कोरोना से लड़ रहा है, तो देश साजिशों से और देश अफवाहों से कैसे लड़ेगा? इसलिए जरूरी है कि सब एकजुट रहें और इस बात को याद रखें कि बीमारी धर्म या जात देखकर नहीं आती है।